मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना है ये कैंगन वाटर का। मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने मार्च 2020 में ये मशीन लिया था। तभी रिसेंटली सडनली माय मेड गॉट रूमेटॉइड आर्थराइटिस पॉजिटिव। उसका पॉजिटिव आया रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आपको सबको पता होगा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिसीज कभी रिवर्स नहीं होता। कैंसर होना अच्छा है, पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस भगवान करे किसी को ना हो। कैंसर में इंसान 6-7 महीने में मर जाता है, पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पूरी लाइफ वो तड़पता है, मरता है। तो यहाँ पर दवाई भी बहुत महंगी है, टेस्ट भी बहुत महंगा है। तो मैंने अपने मेड को देखा कि उसे वो ये पॉजिटिव आया है। दवाई हमने चालू की, थोड़ा 1-1.5 महीना उसने दवाई लिया और साथ में कैंगन वाटर भी चालू किया। फिर ये कोविड में यहाँ दवाई मिलना बंद हो गया, तो हमें डर लगने लगा कि अभी दवाई के बिना ये कैसे करेगी। या दवाई नहीं खाई, फिर भी उसे पेन नहीं हो रहा था, तो हम सोचने लगे पेन क्यों नहीं हो रहा था। फिर हमने 10 दिन जाने दिया, 15 दिन जाने दिया, तो भी पेन नहीं हो रहा था। फिर हमने टेस्ट सब कुछ करवाया कि टेस्ट में डॉक्टर ने बोला इसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस कभी हुआ ही नहीं है। फिर हमने डॉक्टर को 2 महीने पहले की उसकी रिपोर्ट भी दिखाई कि इसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस था। डॉक्टर ऑल्सो सरप्राइज। फिर हमने चेकआउट किया कि भाई क्या चेंज हुआ है इसकी लाइफ में, कि 2 महीने पहले पॉजिटिव थी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अभी उसके शरीर में कोई भी डिसीज ही नहीं है। तो फिर हमने मार किया, तो दवाई और ये कैंगन वाटर साथ में उसने चालू किया था। फिर धीरे धीरे दवाई बंद हो गई और पानी सिर्फ चालू था। और आज 10-15 महीने हो गए पर उसे कोई पेन नहीं है। तो दिस इज माई नाइस एक्सपीरियंस। उसके